हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज संपदा, और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि राजस्थान की खनिज संपदा को समझना है तो 7 बिंदुओं का अध्ययन आपको करना आवश्यक है, जिसमें हमारा चौथा बिंदु खनिज उत्पादन, मतलब आपके राजस्थान में कहाँ कहाँ पर खनिज निकलते हैं, उससे संबंधित टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसे हम कहते हैं खनिज उत्पादन क्षेत्र। खनिज उत्पादन क्षेत्र के अंदर हमने कई ऐसे खनिज उत्पादक पेटियों के नाम मैंने आपको पढ़ाए हैं, मतलब बताए हैं, जैसे कि अरावली खनिज पेटी है, वांगड़ खनिज पेटी है, क्ले खनिज पेटी है, फत्तर खनिज पेटी, पोटास है, इसके अलावा अरावली क्षेत्र की खनिज पेटी है, नागौर खनिज पेटी है। ऐसे कुल मिला के मैंने आपको 7 खनिज पेटियों के बारे में अध्ययन करवा दिया था। आज हमारा 8वां और 9वां बिंदु कौन सा है? एक 8वां एकाधिकार वाले खनिज पेटी, और दूसरा है 9वां बिंदु आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो टॉपिक डाल लेंगे अपन, राजस्थान में खनिज संपदा। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार लिखता हूं, यहां पे लिखना अपन को क्या, राजस्थान के खनिज संपदा को समझें 7 बिंदुओं से। ठीक है, अब वो 7 बिंदु जो है उसमें चौथा बिंदु हमारा चल रहा था, जिसे हम कहते हैं खनिज उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हमने कई ऐसे खनिज उत्पादक क्षेत्रों की पेटियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरावली, वांगड़, क्ले, फत्तर, पोटास, अरावली क्षेत्र और नागौर खनिज पेटी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा 8वां बिंदु जो है वो है एकाधिकार वाले खनिज पेटी, एकाधिकार वाले खनिज पेटी। अब देखिए, इसके बारे में क्या आपको अध्ययन करना है तो मैं बता दूं, एक आर्थिक समीक्षा हुई 2020 और 21 की राजस्थान की, और उस राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसे खनिज उत्पादित हुए जो कि आर्थिक संबंधित थे, जिसमें सीसा था, जस्ता था, इसके अलावा सेलेनाइट है, सेलेनाइट किसे कहते हैं, सेलेनाइट बोलते हैं जिप्सम को, इसके अलावा वॉलेस्टोनाइट है। ये ऐसे खनिज थे जो कि हमारे राजस्थान के अंदर एक आर्थिक रूप से एक अहम भूमिका निभाते। इसके अलावा भी कई ऐसे खनिज हुए हैं जो कि आपके एकाधिकार वाले खनिज पेटी के अंतर्गत आते हैं। उन खनिजों की मैं बात करूँगा जो इस एकाधिकार वाले खनिज पेटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि 2020 और 21 के अनुसार बताया गया, जो कि आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लिख देंगे आर्थिक समीक्षा 2020 व 21 के अनुसार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन हुआ, जैसे कि, अब जैसे में कौन कौन से खनिज, जैसे कि सीसा है महत्वपूर्ण, ठीक है, इसके अलावा आपका जस्ता है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो बोलते हैं वॉलेस्टेनाइट्स, ठीक है, ये भी एक खनिज है। इसके अलावा एक खनिज और है जिसे जिप्सम बोलते हैं, सेलेनाइट, ठीक है, सेलेनाइट जिसे हम कहते हैं जिप्सम। ये एक तरीके से राजस्थान के 2020 और 21 के आर्थिक समीक्षा के अंदर एक उत्पादित राजस्थान के, किसके, राजस्थान के प्रमुख खनिजों के अंतर्गत आते हैं, जो कि एकाधिकार वाले खनिज पेटी के अंतर्गत है। अब सुनिए, अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से खनिज है, जैसे कि जास्पर, ये भी एक खनिज है। अब ये खनिज कहाँ मिलता है तो मैं बता दूं आपको, जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिलता है। इसके अलावा दूसरा है तांबड़ा, ठीक है, तांबड़ा खनिज, ठीक है, तांबड़ा, और इसी के साथ में है गार्नेट और रक्तमणि, ठीक है, तामणा, तांबड़ा, ठीक है, इसके अलावा गार्नेट और एक है रक्तमणि। ये ऐसे 3 खनिज है जो भी एक अहम भूमिका निभाते हैं राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज पेटी के अंतर्गत, जो कि 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के उत्पादित खनिज ये माने जाते हैं। अब ये खनिज कहाँ पर, जैसे कि पहला टोंक, ठीक है, अब टोंक में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये खनिज मिले हैं, जैसे कि राजमहल है और जनकपुर,
राजमहल और एक है जनकपुर। इसी के साथ में दूसरा जगह भी है जहां पर ये खनिज मिलते हैं, वो है अजमेर के अंदर। और अजमेर में भी एक क्षेत्र है जहां पर ये खनिज मिलते हैं, वो है सारवाड़। ठीक है, सारवाड़ ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से खनिज है जो कि एकाधिकार वाले खनिज पेटी के अंतर्गत आते हैं, वो है वोलेस्टेनाइट। ठीक है, जो कि आपके लिखा हुआ है वोलेस्टेनाइट। ठीक है, ये खनिज कहाँ मिलता है? ये खनिज मिलता है सिरोही के अंदर। कहाँ पर मिलता है? सिरोही। और सिरोही में भी कहाँ पर? सिरोही का एक क्षेत्र है बेल का मगरा। ठीक है, बेल का मगरा जहाँ पर ये खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपका कौन सा खनिज? लाल गेरू। नाम सुना होगा लाल गेरू का, लाल गेरू। ठीक है, इसके अलावा आकर ये कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये आपका खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा बिंदु, चलिए पन्ना और हरी अग्नि, ये भी खनिज है। पन्ना व हरी अग्नि, ये खनिज कहां मिलते हैं? ये खनिज आपको मिलेंगे राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में, और राजसमंद में भी आमेट। ठीक है, आमेट और इसके अलावा, ठीक है, आमेट व देवगढ़ के मध्य में। ठीक है, आमेट व देवगढ़ के मध्य। ठीक है, एक क्षेत्र काला गुमान की खान से ये उत्पादित होता है। ठीक है, खान है ये। ठीक है, काला गुमान, गुमान खान से उत्पादित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार वाले खनिज पेटी है जो अपना अधिकार रखते हैं, एक अहम योगदान आपके राजस्थान के आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपना एक विशेष योगदान रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एकाधिकार वाले खनिज पेटी की। अब हम बात करते हैं, ये आठवां बिंदु कंप्लीट होता है, अब हम बात करेंगे नवे बिंदु का, वो है आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी के बारे में, जिसमें हम दो खनिजों के बारे में बात करेंगे, एक तो यूरेनियम और एक थोरियम। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए नवा पॉइंट डालेंगे अपन, और नवा पॉइंट कौन सा बताया मैंने? आणविक परमाणु ऊर्जा, आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी। अब देखेंगे आणविक और परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी, इसमें कौन कौन से खनिज शामिल है, तो मैं बता दूं आपको, एक आपका आता है यूरेनियम। ठीक है, और दूसरा आता है अपना थोरियम। ठीक है, ये दो ऐसे खनिज है जो कि आपको यहां पर कौन से क्षेत्र में बताएंगे वो तो हम बताएंगे कहां पर ये खनिज मिलते हैं, पर आणविक और परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत एक तो यूरेनियम और एक थोरियम, ये दो खनिज महत्वपूर्ण है। अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, ठीक है, अब ये यूरेनियम खनिज जो है ये कहां पर? राजस्थान में यूरेनियम भंडार जो है वो उदयपुर, सीकर और बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, लिखेंगे इसके, राजस्थान में यूरेनियम, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपका? प्रमुख उदयपुर, सीकर और बारा। उदयपुर, सीकर और बारा में, ठीक है, में प्रमुख उत्पादन होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं इन क्षेत्रों के अंदर ही बताऊंगा उदयपुर, सीकर और बारा में भी कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर ये यूरेनियम उत्पादित होता है, तो लिख देंगे उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र के अंदर सबसे पहला आता है उदयपुर। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है उमरा, जहां पर यह खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा? यूरेनियम। सेकंड नंबर पे आता है सीकर। सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है इस क्षेत्र के अंदर खेडला पहाड़ी, ठीक है, कौन सा पहाड़ी? खेडला पहाड़ी। और इसके अलावा एक क्षेत्र और है रोहिला क्षेत्र, रोहिला क्षेत्र, जहां पर ये खनिज देखने को मिलता है, यहां पर उत्पादित होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है बारा डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये यूरेनियम निकलता है? वो है रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी यूरेनियम की। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं थोरियम।
देखिए थ्योरियम की अगर हम बात करें तो राजस्थान में थ्योरियम भंडार एक तो पाली में और एक भीलवाड़ा में, ठीक है, लिखेंगे राजस्थान में थोरियम का भंडारण कौन सा, एक तो भीलवाड़ा और एक है पाली में, ठीक है। अब मैं सबसे पहले उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जिसमें हम पहले हम बात करेंगे भीलवाड़ा की। देखिए भीलवाड़ा जो है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, सरदारपुरा, यहाँ पर आपको ये खनिज देखने को मिलता है सरदारपुरा, ठीक है। और आपका जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, इस पाली डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख क्षेत्र है वो है भद्रावन, ठीक है, जहां पर ये खनिज कौन सा खनिज, थोरियम खनिज देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारा ये आणविक, ठीक है, आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी कंप्लीट होती है और हमारी ये दोनों एकाधिकार वाली खनिज पेटी और आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पेटी कंप्लीट है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।